हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज पार्ट थ्री के बाद पार्ट फोर के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और जिसे में हम पढ़ेंगे कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया है, सौरभ ने, वो बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेल किया है परसेंटेज वाला, तो मैं बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो जो आपने क्वेश्चन भेजा है सौरभ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो आपने अगर क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन एक्चुअली में इसी कॉन्सेप्ट पर ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहली बात, मैं अभी तो SSC या बैंकिंग या ये समय जो क्वेश्चंस DI को छोड़कर अगर ये सब क्वेश्चंस आता है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में, तो हम कम समय में कैसे इन सारे सवाल को कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए हम एक अगला सेशन लेके आएंगे, मतलब पार्ट फाइव में मैं DI से रिलेटेड जो परसेंटेज के टॉपिक्स हैं वो आपको कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, जिसे बात करना है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस सवाल का, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमारा हमेशा से यही हुआ है कि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट के बाद ही हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक निकल के आता है, कुछ अलग ट्रिक नहीं होता कुछ भी वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात, यहां पर आप अगर गौर कीजिएगा तो यहां पर है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, है ना। अगर हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है तो इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे बोलेगा कि बी ए का, यानी ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, बी का कितना प्रतिशत है। ये एक्चुअली में वो सवाल है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यही सवाल है और इसी सवाल का हमें जवाब निकालना है। तो सबसे पहली बात कि ज़रा साइड में आकर मैं इधर कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, तो ये अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है इसका कि अगर मैं इसको पूरा डिटेल में बनाने की कोशिश करूँ, एकदम लंबा में बनाने करूँगा, तो बोलोगे सर ऐसा कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब बी का कितना प्रतिशत ए है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ए है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल ये तो सॉल्व करना बहुत आसान है। अपन क्या करेंगे, एक्स परसेंट को यही रहने देंगे और ए बाई बी हम निकाल देंगे, क्योंकि ए यहाँ है और बी नीचे आ जाएगा। अब फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और हो जाएगा ए बाई बी इंटू, ये 100 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले आऊँ तो 100 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे 100 इधर आ जाएगा, तो ए बाई बी इंटू 100। मतलब सर जब भी अगर आपको मुझे आपको निकालना हो कि ए बी का कितना प्रतिशत है या फिर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी आपको निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से दीजिएगा। देखिए अगर आप इस टर्म को रिलेट करें कि हम तुरंत कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जिसके साथ ऑफ लगा था, बी के साथ ऑफ लगा था तो वो नीचे था, या फिर जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे है, बाकी जो इस जिसके साथ लगा या जो छूट गया है वो ऊपर है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि ए बाई बी इंटू 100 डायरेक्ट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। अभी आप देखिए कि सर ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी में हमने बी को नीचे रखा, ए को ऊपर रखा। देखो 100 को मल्टीप्लाई करना था क्योंकि मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना था, लेकिन परसेंट में कोई भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ए और बी लिखो, ए बाई बी लिखो, अगर आपको इसका फ्रैक्शन का वैल्यू याद है तब तो आप परसेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत इस सवाल को जवाब लिखते। तो पीछे वीडियो नंबर 2, जिन्होंने वीडियो नंबर 2 नहीं देखा वो देखना, उसमें मैंने फ्रैक्शन से कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं ये बात मैंने उसको बताया है, ठीक है, इस वीडियो 2 में। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे कम समय में जो मैंने आपको बात बताया है वो करेंगे। तो एक बार एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर एक बार पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 64, ठीक है। तो देखिए बोलता है कि 64 का कितना प्रतिशत 160 है, है ना, 160। तो हम बोलेंगे सर एक्स परसेंट इक्वल टू लिख दीजिए 160 अपॉन 64 इंटू, ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो 16 चौके 64, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में और कितना आएगा 250
प्रतिशत। पर बताओ मुझे, इतना टाइम एग्ज़ाम में होता है क्या? क्या आप इतना तामझाम करेंगे? अगर आप ये ऐसा सवाल का सॉल्व करते हैं तो आप बहुत पीछे हैं सर, आपको एकदम कम समय में करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल, तरीका गलत नहीं है, मतलब ये आप सही बना रहे हैं, लेकिन कम समय लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी सवाल का जवाब लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जवाब कितना कम समय में लाओगे ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, इस सवाल को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे करते हैं। तो आप देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी कि सर जिसके साथ ऑफ लगा है उसको आप नीचे लिख दीजिए, ऑफ को नीचे लिख देते हैं 64, और बाकी वाला टर्म को ऊपर लिख देते हैं 160। अब मुझे इसी को ना सॉल्व करके परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर ये कटता है, 16 चौके 64 आया कितना, 10/4, है ना। अभी समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बदला आंसर तो ऐसे ही आ गया। तो देखो सर, 10/4 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना 1 × 10/4। अब 1/4 जरा बताओ कितना होता है, बोलेंगे सर 1/4 होता है 25%, इसमें एक जीरो और चिपका दीजिए, ये रहा 250%। इस सवाल का जवाब है, मतलब हमें करना कुछ नहीं था, जैसे ही फटाक से मुझे आंसर निकालना था तो लिखते 160/64, 16 चौके 64, 1/4, 25% होता है, एक जीरो चिपका हुआ है, तो बस एक जीरो इधर चिपका देने का, और ये रहा आंसर। क्लियर है सर, जिस सवाल को हमने पूरा कॉन्सेप्ट से लंबा बनाया था उसको कम समय में करने का तरीका ये है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। ये होता है 320 इज वाट परसेंट ऑफ 64, कितना होगा, 32 × 64, 500%। क्लियर है कैसे, देखो 32 × 32 320/64 हम लिख लेंगे, 32 से काटेंगे, 32 × 64। अब देखो आपको पता है कि ये है 10/2, 1/2 होता है 50%, उसमें एक जीरो चिपका हुआ है, तो फिर 50% में एक जीरो चिपका देंगे, और ये रहा 500%। इस सवाल का जवाब अभी मैं छोटे छोटे टर्म्स आपको सिखा रहा हूँ, फिर इसी को बड़े टर्म्स में आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे, अब देखो यहाँ पर है कि 210 सेंटीमीटर इज वाट परसेंट ऑफ 7 मीटर। तो सर जब हम ये निकाले थे ना कि ए इज़ वाट परसेंट ऑफ बी, जब हम इसको कर रहे थे तो आपने सीधे बोला था कि सर ऑफ जिसके साथ लगा है उसको नीचे लिखिए, उसको ऊपर लिखिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हम कर देंगे, या फिर अगर हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट हम बता देंगे। लेकिन जब हम इस सवाल को कर रहे थे तो क्या यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में जब हम कर रहे थे तो परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद कोई भी हमारा यूनिट का वैल्यू बच रहा था? बोले नहीं बच रहा था। इसका मतलब बोले सर परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता, अपन यूनिट नहीं लगाते हैं परसेंटेज में। तो इसका मतलब अगर हम इसी चीज को अगर ऐसा लिखें क्या कि सर 7 ऑफ किसके साथ लगा है, 7 के साथ, लेकिन वो 7 अकेला नहीं, वो 7 मीटर है और ये 210 सेंटीमीटर है, है ना। तो 7 मीटर है और 200, अब यार यहाँ पर ऊपर सेंटीमीटर आ गया और नीचे मीटर आ गया, अब तो मामला फंस गया ना, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर कटेगा नहीं। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब बोलोगे सर कन्वर्ट कैसे करोगे, कल को किलोमीटर है और यहाँ मीटर आ गया, फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिलीमीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको यूनिट कन्वर्सन सिखाता हूँ कि कैसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। ठीक है, तो पहले ये बात सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक ले लेता हूं रेड कलर का। ठीक है, चलिए, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो तुम देख लेना। यूनिट कन्वर्जन मतलब सबसे पहले ये आपको याद रखना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, सॉरी डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मतलब आपको याद रखना है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। बस अगर ये बात याद रखा तो मिलीमीटर सेंटीमीटर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले इसको याद नहीं करना है, देखो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बस ये आप ये बात याद रखिएगा कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आपको ये बात पता है ना, ये बात तो किसको नहीं पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। जब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो आपने क्या किया, बोले सर मीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीटर कहाँ है, बोले मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर यहाँ है। तो करना कुछ नहीं है सर, जब आप यहाँ लिखे मीटर, आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो जहाँ से आपको कन्वर्ट करना है उसको आप छोड़ दीजिए, मीटर को आपको छोड़ देना, यहाँ से नहीं काउंट करना आपको। अब मीटर को छोड़ने के बाद यहाँ से काउंट कीजिए,
हाँ, तो यहां से आपको काउंट करना है एक दो, सॉरी यहां तक एक दो, नीचे कितना, ऊपर से नीचे कितना तक, सेंटीमीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर आपको कितने बार काउंट करने में मिला, आपको मिला एक दो, दो बार काउंट करने में आपको सेंटीमीटर मिल गया, है कि नहीं? तो दो बार काउंट करने में मिला, तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सेंटीमीटर लिख के दो बार मिला है, तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो देखिए 100 क्या हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमको ऊपर ऐसा 100 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। मतलब एक बात याद रखना है कि ये जो हमने लिखा है ना, अगर हम नीचे से ऊपर गए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कल को मुझे 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है ये मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मीटर है ऊपर मिलीमीटर है, तो कितने बार, मीटर को छोड़ के कितने बार जा रहे हो, एक दो तीन बार ऊपर जा रहे हो, तो बस बात को तीन से गुण, मतलब 3 जीरो लगा दीजिए, बोला कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर आ गया। कल को आपको पूछे कि किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये रहा किलोमीटर, अब यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर को छोड़ के देखिए 1 2 3 मीटर, 3 में आ गया, तो 1 2 3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आपका कन्वर्जन हो गया। देखिए आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पता है एग्जाम में होता क्या है, अगर अचानक से ये बात आ गया ना, तो ये कन्वर्जन आपको याद है तो बहुत कम समय में आप चीज़ें करके निकल जाएंगे, वरना अगर नहीं याद है ना सर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर कन्वर्ट करना। तो बस आपको यही कॉलम याद रहना है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये बात आप याद रखिएगा। बोले तो मैं फुल फॉर्म लगा देता हूँ, ये है मिली, अगर इनको पता है आगे बढ़ा लेना, मिलीमीटर, ये है सेंटीमीटर, ठीक है, ये है डेसीमीटर, ठीक है, ये देसी उसी स्पेलिंग तुम देख लेना, मीटर, ठीक है, डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब देखो, अब बोले सर अगर मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो कोई बात नहीं, अभी भी हमें पढ़ा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को कितने मीटर होता है ये पता करना हो, तो बोले लिखो सेंटीमीटर और 100 को नीचे ले आएंगे, मतलब 1/100 मीटर होगा, मतलब जब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर मुझे पता करना हो कि सर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर कर लेते हैं, या फिर एक काम करो, सेंटीमीटर की जगह पर आप इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मिलीमीटर को मुझे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर को अगर मुझे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने कॉलम, कितने छोड़ोगे, जहाँ पर है उसको छोड़ के अब गिनिए, एक दो, डेसीमीटर दो बार आया, तो अब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे बस करना है 1/1 2 3, मतलब ये सॉरी दो ही बार आया ना, तो दो ही बार, मतलब 1 मिलीमीटर में एक बार, 1 मिलीमीटर में 1/100 डेसीमीटर होगा, क्लियर है? उसी तरीके से अगर मुझे करना हो कि सर आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोले कुछ नहीं, यहाँ है सेंटीमीटर, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, किलोमीटर 5 में आया, नीचे लिखेंगे 10^5 या 1 लाख लिख लेना तुम, ये है आपका 1 सेंटीमीटर में 1/10^5 किलोमीटर। तो ये वाली बात आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चलते हैं आगे इस सवाल को अब कैसे करेंगे, ठीक है, चलते हैं फिर। ओके, तो अब देखिए 210 सेंटीमीटर इज वाट परसेंट ऑफ 7 मीटर, 210 सेंटीमीटर वाट परसेंट ऑफ 7 मीटर, मतलब 7 मीटर 210 सेंटीमीटर, 7 मीटर 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर 7 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो हमने क्या बोला, ऑफ जिसके साथ लगा है उसको आपको नीचे लिखना है, तो हमने 7 मीटर को नीचे लिख दिया और 210 को ऊपर लिख दिया, ये रहा सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या करना है, बोले सर ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है, तो अगर हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखें तो इस मीटर को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 210/700 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हम एक जीरो से जीरो काट देते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो कितना होगा 7 या 21, मतलब 3/10 हो गया कन्वर्ट होके। अब आपको पता है 1/10 10% होता है, तो 3/10 कितना होगा, 30% होगा, और ये रहा इस सवाल का जवाब, क्लियर है? आगे चलो, 50 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 kg को नीचे लिखेंगे, सीधे मैं 1000 ग्राम को नीचे लिख रहा हूँ, और 50 ग्राम, 50 ग्राम और धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, 50 ग्राम, ये तो ग्राम से ग्राम कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और कितना आया 5/100,
100, और आपको पता है 100 में जो चीज़ जितना होता है वही तो परसेंट कहलाता है। ये रहा 5% आंसर। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट इज 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर? देखिए सवाल आ गया ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट करके तरीका देख लीजिएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो नीचे मैं ऑफ वाला चीज़ 4 है, तो 4000 में नीचे लिखूंगा, 4 × 1000 लिख देता हूँ, और ये जाएगा 160 ऊपर। एक जीरो से ये जीरो कट गया, और कितना हो गया? ये हो गया 4 × 4 = 16, मतलब 100/4, और 100 में जितना होता है वही तो परसेंट कहलाता है। ये रहा 4% इस सवाल का जवाब। ठीक है, व्हाट परसेंटेज 3 आवर ऑफ 24 आवर? 24 घंटा, व्हाट परसेंटेज 3 आवर? 3% का 24 घंटा, 3% का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ 3 आवर ऑफ 24 आवर? ठीक है, तो ऑफ किसके साथ लगाना है? ऑफ लगाना है 24 के साथ लगाना है, 24 को नीचे रखना है, 3 ऊपर रखना है, ये भी आर में है, ये भी आर है, आर से आर काट देते हैं, कितना हुआ? 3 × 8 = 24, 1/8 कितना होता है? तो ये आपको याद होगा 12, 1/2%। मैं तो कहता हूँ याद बिल्कुल होना चाहिए आपको, और याद नहीं है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाना है। फिर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, इसको 100 से गुना करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, फिर यहीं पहुँचोगे आप। तो ये बार डायरेक्ट याद है तो एग्जाम में यार याद तो करना पड़ेगा मैथ्स में। सर लोग बोलते हैं सर मैथ्स में याद करना पड़ेगा, अरे ये सब चीज़ें नहीं याद करोगे तो कभी कैसे बनाओगे एग्जाम में? इतना कम समय में कैसे बना पाओगे? तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब याद कर ले, तुम हिस्ट्री से पूरा एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री सब रट ले तो कितना सवाल आता है आजकल, पूरा रट के बैठे हो। तो मैथ्स में थोड़ा 2-3 टेबल याद करने बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाना है तुम्हारे लिए। याद तो करना पड़ेगा सर, आप चाहते हैं एग्जाम निकालना और फिर बोलेंगे याद ही नहीं करेंगे हम, फिर नहीं हो पाएगा इस तरह। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। टेबल तो आप याद कीजिए, परसेंटेज वाला ध्यान में रखिए, कैसे नहीं होगा याद, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो जो बच्चों को सबसे पहले तो 1 से 30 तक का स्क्वायर पहले आप याद कीजिए, और जिन लोगों को स्क्वायर नहीं याद हो रहा है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ब्रश करते हैं ना, ब्रश करते समय जिस शीशे को देख के आप ब्रश करते हैं वो लंबे वाले शीशे में, 1 से 25 तक का एक पेपर के पट्टी में, पतली सी पट्टी में 1 से 25 तक, 1 से 25 लिखना भी नहीं, आप 11 से 25 लिख लो, 11 से 25 तक का या 30 तक का स्क्वायर एक पट्टी में लिख के अपने शीशे में अपने मिरर में ऐसा लिख के आप चिपका लो, और जब आप ब्रश करोगे तो रोज़ ब्रश करते करते उसको ऊपर से नीचे तक पढ़िए, 10 दिन में ये पूरा याद हो जाएगा सर, मेरी गारंटी है। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सर व्हाट परसेंट इज 50 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर? ठीक है, तो 4 मीटर का 50 कितना सेंटीमीटर, 50 कितना परसेंट है? तो 4 मीटर हम नीचे लिख देते हैं और 50 सेंटीमीटर ऊपर लिख देते हैं। अभी अभी हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कर देते हैं, ये ऊपर सेंटीमीटर में है, तो कैसे ये कहां क्या करेंगे? बोलेंगे सर 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50/4 × 100, ये कितना होगा? 50 × 100 कितना हुआ? 1/8, और 1/8 कितना होता है? अभी भी हमने निकला था 12, 1/2%, 11% में कन्वर्ट हो गया। तो ये पीछे मैं जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहा था ना, वैसा दूध भत्ता नहीं सिखा रहा था आपको, ये इधर प्रैक्टिस है, इधर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं वो चीज़ सिखा रहा था। बोले ये क्या नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें सिखा रहा है, तो जिनको ने सीधे जम करके इधर काबिल लोग आए ना ये वीडियो देखना, तो आप एक काम करो ना वो वीडियो जाके देख लो पहले, दूसरा नंबर। ठीक है, बाकी मजाक कर रहा था, ठीक है, इधर सीरियस मत लेना। चलो, अब बोला कि इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी देन 20% ऑफ 20 इज सेम एज। अब हमेशा एक बात याद रखो, इस सवाल को देख के लगता होगा क्या बिना किसी थॉट प्रोसेस से हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ए को 100% मान लो तो 20 का 20% को 4%, 4% ऑफ ए इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो चीज़ सवाल में गिवेन नहीं है, एक बात हमेशा गांठ ले बांध लो ये चीज़, कि जो चीज़ सवाल में गिवेन नहीं है जवाब में उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मर्जी वो मानो। क्या ए सवाल में गिवेन है? नहीं गिवेन है। बी भी नहीं गिवेन है, तो एक काम करते हैं, एक जो सवाल में गिवेन नहीं है और हमें जो ए का 20% ही पूछा है, तो ए को हम मान लेते हैं 100 100, इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 100 में जो चीज़ जितना होता है वही परसेंट कहलाता है, तो मान लेते हैं ए बराबर 100। तो बोलता है कि 20% ऑफ ए, तो ए का 20% कितना होगा? तो बोलेंगे ए का 20% तो 20 होगा, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया, है कि नहीं? अगर ए को हम 100 मानते हैं सर, तो ए को अगर हम 100 माने तो 20% ऑफ ए कितना होगा? तो बोलेंगे 20% ऑफ ए 20 होगा, और ये किसके बराबर है? ये बी के बराबर है, बी का वैल्यू आ गया 20। अब बोलता है बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज, और बी परसेंट ऑफ 20 किसके सेम है? तो बी का वैल्यू कितना है? 20। तो बोलेंगे सर 20% ऑफ 20 मुझे निकालना है। तो ये बात बताओ कि 20% कैसे निकालने सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में? बोले 10% होगा 2, 20% होगा 4, मतलब 20% 20 4 होगा। तो अब बोले कि 20% ऑफ ए और बी परसेंट ऑफ 20 किसके बराबर है? तो हम अगर बोले कि अगर हम ए को 100 मान ले तो बी का वैल्यू कितना है? 4 आया, और 100 में जो चीज जितना होता है वही तो परसेंट कहलाता है। इसका मतलब ये जो 4 है वो ए का 4% ऑफ ए है,
4% ऑफ ए है, इसीलिए तो हम इसका आंसर निकालेंगे 4% ऑफ ए इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको बात समझ में आएगा। मतलब हम कर क्या रहे हैं, अगर एक बार फिर से समझा दें कि अगर हम ए को 100% मान लें तो बी का वैल्यू अगर मेरा 20 आया था, और यहीं पर अगर हम इस बी के वैल्यू में इस 20 को अगर हम पुट करते हैं तो हमें आता है बी परसेंट ऑफ 20, मतलब 20% ऑफ 20 आता है। जब ए को 100 माना था 20% ऑफ 20 आ रहा था, तो इसका 10% 2 होगा, 20% 4 होगा, 20% ऑफ 20 4 आ रहा था, ठीक है। तो लेकिन चार हमारा आंसर नहीं है अब, तो चार हमारा आंसर में नहीं है, चार हमारे आंसर में नहीं है, तो हमारे आंसर में क्या है? बोलेंगे सर हमारे आंसर में तो वो चीज़ें हैं कि 4% ऑफ ए, 6% ऑफ ए, मतलब ए के टर्म में दिया हुआ है। तो हमने ए को क्या माना? बोले ए को तो 100% माना है। अगर ए को हमने 100% माना है तो अब आप क्या करोगे? तो बोलेंगे सर ए को अगर हमने 100% माना है तो हम ये बोलेंगे कि ए के टर्म में हमारा जो आंसर आया वो कितना है। बोले ए के टर्म में हमारा आंसर तो 4 आया है। इसका मतलब ये ए 100 में जो चीज़ जितना होता है वही परसेंट कहलाता है, तो ये 4% हुआ इस सवाल का जवाब, 4% ऑफ ए है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब इसी तरीके से आज के लिए इतना ही सर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इसी तरीके से वीडियोस में आपको देता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।